मैं किरण 35 साल की उम्र में अपने पति से तलाक लेकर पिछले 4 सालों से आहूजा एंड रस्तोगी लॉ फर्म में जॉब करती हूँ। 1 साल से मैं मुकुल रस्तोगी की सेक्रेटरी हूँ। मेरा पहला पति बहुत ही पावरफुल आदमी है, एमएलए की पोस्ट में खड़ा होने वाला था। 12 साल से मुझ पर और मेरे बेटे पर जुर्म ढाता रहा। 4 साल की अच्छी जिंदगी मेरी खत्म हो रही थी जब मेरे पति ने मुझे मैसेज किया था। वह मेरे बेटे को वापस हासिल करना चाहता था ताकि उसे अपने बुरे कर्मों में लगा सके। मैं बेहद टूट गई थी और इस शहर से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे बॉस मुकुल मेरे पास आ गए। मुझे उस हाल में देख कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, तुम मेरे साथ रुकोगी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की हिफाजत करूंगा। मुझे उस हाल में देखकर जाने उन्हें क्या हो गया, उन्होंने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। मैं डर के मारे उनकी ओर देखने लगी। वह कुछ बोलने वाले थे कि मैं अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया। मैं सोच में पड़ गई थी, क्या मुझे उनकी मदद लेनी चाहिए, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि मैं मुकुल को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी वह मेरे बेटे को मुझसे छीन ले। मेरे बॉस का कहना था वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ऐसे में वह मेरे बेटे को गलत काम में लगाना चाहता था। वह अपना वारिस वापस चाहता था। आज मेरे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बार बार मुझसे गलती हो रही थी। तभी रात को करीब 8 बजे मुकुल मेरे पास आ गया। कहने लगा, चलो मेरे साथ। मैं उनके आंखों में देखने लगी। वह कहने लगा, अभी चलो, तुम्हारे घर चलेंगे, सामान पैक करके तुम्हारे बेटे को ले लेना। मैं उसके साथ चलने लगी। आज कार में उनका ड्राइवर था। ड्राइवर की बॉडी देखकर लग रहा था ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ज्यादा है। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। मुकुल किसी देवता की तरह लग रहा था और उनके सामने मैं बिल्कुल भद्दी मुर्गी लग रही थी। मुझे वह पसंद क्यों करेंगे। मैं जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। जितनी जरूरत का सामान था ले लिया था। अपने बेटे से भी सारी बात समझा दी थी, बस उसके पापा के गलत धंधों के बारे में उसे नहीं बताया था। वह भी काफी परेशान हो गया था। मेरे बॉस कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठ गई और मेरा बेटा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उन्होंने मुझे जैसे देखा ही नहीं। मेरे बेटे को देखकर कहा, हेलो पीयूष, मैं मुकुल रस्तोगी हूँ, मुझे माफ करना, ऐसी हालत में तुम्हें तुम्हारे घर से दूर करना पड़ रहा है जबकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। पीयूष पीछे मुड़कर उनकी ओर देखने लगा। मैं सोचने लगी, मेरे बेटे के टूर्नामेंट के बारे में इसे कैसे पता, ऐसी सिचुएशन में शायद मुकुल ने पता लगा लिया होगा। पीयूष ने कहा, थैंक यू मिस्टर रस्तोगी, आपने हमारी इतनी मदद की। फिर उसने कहा, एक मिनट, क्या अभी मैं स्कूल जा सकता हूँ और बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरे बॉस ने कहा, बेटा अभी जो हालात है ऐसे में तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें अगर घर से ले जा सकते हैं तो स्कूल से भी ले जा सकते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और कोच से बात कर लूँगा ताकि तुम कुछ प्रैक्टिस मिस भी कर दो फिर भी टूर्नामेंट में प्रैक्टिस कर सको। मैं उन्हें तुम्हारी हालत के बारे में समझाऊंगा तो वो जरूर मान जाएंगे। और इस बीच तुम्हारे पापा के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि जल्द से जल्द ही मामला सुलझ सके। पीयूष ने कहा, थैंक यू मिस्टर रस्तोगी। उनकी कार शहर से निकलकर गांव के रास्ते चल पड़ी थी। एक के बाद एक बंगला पार हो रहा था। अचानक एक घर के सामने आकर रुक गए। पीयूष ने कहा, मिस्टर रस्तोगी आप किला में रहते हैं। पीयूष ने कहा, नहीं नहीं ये बंगलो है। पीयूष ने कहा, मैं बंगलो क्या होता है जानता हूँ, यह तो किला है। क्या आप किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। तभी घर के सामने बड़ा गेट खुल गया और कार अंदर आ गई। ऊंचे ऊंचे दीवार देखकर यह किसी किला से कम नहीं लग रहा था। जमीन 8000 स्क्वायर फीट से भी कम नहीं होगी। सर को मैंने खुद ही अपनी गाड़ी चलाते हुए देखा है। आज ड्राइवर रखने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हमारे लिए ही इंतजाम किया हो। इस घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वह हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। घर पर मुकुल के माता पिता ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं उनके माता पिता को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि कई बार ऑफिस आते जाते रहते हैं। सीनियर मिस्टर रस्तोगी भी वकील थे, अभी उम्र हो जाने की वजह से रिटायरमेंट ले ली है। अब उनका बेटा मुकुल ही यह लॉ फर्म संभालते हैं। पर मुकुल से बिल्कुल विपरीत उनके पापा काफी नर्म दिल इंसान है। उनकी माँ भी वैसे ही है, किसी चीज का घमंड नहीं है उनको। रात को हमने सब साथ में डिनर किया। मुकुल के माता पिता कहने लगे, कल सुबह जल्दी फ्लाइट लेकर वह यहाँ से चले जाएंगे। यह किला बहुत बड़ा है, शायद वह यहाँ नहीं रहना चाहते थे। इतना बड़ा घर देखने में ही अच्छा लगता है पर रहने में काफी दिक्कत होती है। डिनर के बाद
मैं मुकुल के पास चली गई। मैंने कहा बॉस। उसने कहा मुझे यहाँ बॉस मत कहो, मैं घर पर हूँ, मैं यहाँ रिलैक्स होने आता हूँ। हिचकिचाते हुए मैंने कहा कहीं सारा बुरा तो नहीं मान जाएगी ना, तुम अपनी सेक्रेटरी और उनके बेटे को अपने घर लेकर आए हो। उसने कहा मैं किसी को भी अपने घर लेकर आऊँ उससे क्या मतलब, उसे बुरा लगे ना लगे मैं उसकी बात की फिक्र क्यों करूँ। मैंने कहा क्योंकि वह आपकी मंगेतर है। उसने काफी आश्चर्य से पूछा मेरी मंगेतर, किसने कहा वो मेरी मंगेतर है। मैंने कहा उस दिन वह आपके ऑफिस आई थी, याद है ना। यह बात सुनकर उनका चेहरा अचानक रिलैक्स हो गया। मैं काफी आश्चर्य में पड़ गई। वह कहने लगे वह जिसे जो चाहे कह सकती है, पर वह मेरी पत्नी कभी नहीं बनने वाली। मैंने कहा सर मैं अब तक आपको थैंक यू नहीं कहा, आप अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। उसने कहा तुम भाग जाती। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद मुकुल के मम्मी पापा वापस अपने दूसरे घर चले गए थे। मुकुल ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ किरण, ऑफिस जाना है। मेरा बेटा पीयूष कहने लगा माँ ऑफिस जा रही है तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता। मुकुल कहने लगे तुम बहुत जल्द स्कूल जाओगे, मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। पीयूष ने कहा वादा करो आप मेरी माँ को सेफ रखोगे। मुकुल ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी जान देकर भी उसे सुरक्षित रखूंगा, ठीक है। फिर उसकी ओर मुस्कुराहट देकर कहा मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं आज अपने बॉस के साथ ही ऑफिस आई थी तो कॉफी बनाने का मौका नहीं मिला था। मैंने कहा सर मैं अभी कॉफी बना देती हूँ, माफ करना मैं आपके साथ ही आई हूँ इसीलिए कॉफी पहले से तैयार नहीं रख पाई। उसने कहा आज अपना मूड फ्रेश करने के लिए कॉफी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे पीयूष ने ही वह काम कर दिया है। सालों बाद घर पर एक टीनेजर लड़का आया है, उसकी बातों से ही मेरे अंदर नया जोश भर गया है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। दिन भर मेरे बॉस बहुत बिजी थे पर मेरी नजर बार बार उनकी ओर ही जा रही थी। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी पर जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, एक बार तो मैं उनकी तरफ देखती हुई पकड़ी भी गई थी। बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। एक समय देखा वह कुछ ढूंढ रहे थे। मैं केबिन में आ गई। मैंने कहा सर क्या ढूंढ रहे हैं। उसने कहा एक लिस्ट बनाई थी मैंने फाइल की, वो ढूंढ रहा हूँ। मैं सोची मैं सेक्रेटरी उनके सामने खड़ी हूँ फिर वह यह काम खुद क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं मदद कर देती हूँ। जल्दी से मैंने वह लिस्ट ढूंढ निकाली। सर ने कहा इसके हिसाब से फाइल को अरेंज करना है। हम दोनों इसी काम में लगे हुए थे। कई बार मेरी नजरें उन पर पड़ती और कई बार उनकी नजरें मुझ पर। जब भी वह हमारी नजरें मिलती मैं घबरा जाती थी। सारा काम खत्म करके मैं अपने सीट पर बैठी हुई थी। मुझे उन्हीं के साथ घर जाना था। मैंने सोचा रास्ता लंबा है बाथरूम चली जाती हूँ। मैं बाथरूम से निकली देखा हॉल में कोई नहीं था। मेरे बॉस मुकुल मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से कोई मुझे पकड़ लिया। मुझे उस वक्त लगा कि चीखना चाहिए पर उसने अपने हाथों से मेरे मुंह को बंद कर दिया था। मेरे कमर में कोई ठंडी सी चीज चुभ रही थी। मैं डर के बस में आ चुकी थी। तभी उसने मेरे कानों में कुछ कहा एक भी आवाज मत निकालना मेरी प्यारी पत्नी, नहीं तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। यह उस मर्द की आवाज थी जिसे मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं अपनी ऑफिस के डेस्क के ओर कदम बढ़ाने लगी लेकिन वह मुझे उल्टी साइड में खींचने लगा। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी मुकुल एक बार बाहर आ जाओ। मुझे लगा जिस जिंदगी से मैं बेहद प्यार करती थी वह मेरे हाथ से पिसल रही है। मुझे लगा मुकुल अपने केबिन से बाहर नहीं आएंगे और पूरी बिल्डिंग खाली होगी, बस इसे सिक्योरिटी गार्ड से निपटना होगा। मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं अपनी फोन भी डेस्क पर छोड़कर आई हूँ। अगर मेरे पास फोन होती तो मुकुल मुझे ट्रेस कर लेते। उसने कहा मेरी तरफ देखो पागल औरत, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम और तुम्हारा वह प्रेमी, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह मुझसे टकराने की गुस्ताखी की। तुम बेकार औरत, अगर बिस्तर में मुझे खुश कर पाती तो आज तुम्हें यह मुसीबत झेलनी ही नहीं पड़ती। अब देखो दूसरों के साथ सो रही हो ताकि मुझे बर्बाद कर सको। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसने कहा मेरी तरफ देखो और फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया जिससे मेरा सर लिफ्ट की दीवार से टकरा गया। मेरा सर चक्कर आने लगा। उसके थप्पड़ से मेरे गाल में दर्द होने लगा था। उसने दोबारा थप्पड़ मारा और मेरे होंठों से खून निकलने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को मेरे गले में पकड़ लिया था जिससे मेरी सांसें बंद होने लगी। फिर उसने कहा अगर मुझे अंडरग्राउंड होना पड़े तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी और उसके बाद अपने आदमियों को कहूंगा कि तुम्हें नोच डाले। मेरे आदमी भी सब मिलकर तुम्हारे
मैं जिस्म के साथ खेलेंगे जब तक बाहर का माहौल शांत नहीं हो जाएगा। मैंने सारा प्लान बना रखा है मेरी प्यारी पत्नी। मैं अपने बेटे पीयूष के बारे में सोचने लगी, अगर वह मुझे यहाँ से लेकर अपने साथ चला जाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, मुझे अपने बेटे के लिए लड़ना होगा। मैं आँख उठाकर देखी, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में पहुँचने वाली थी। मैंने सोच लिया था यही मेरे पास इकलौता मौका है उससे बच निकलने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे गोली लग जाएगी, सबको पता लग जाएगा कि मैं मुसीबत में हूँ। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में पहुँची, मैंने उसके प्राइवेट पार्ट में जोर से किक किया, वह दर्द से छटपटाने लगा। मौके का फायदा उठाकर जैसे ही दरवाजा खुला, मैं उसे धकेल कर दौड़ने लगी और एक दूसरे मर्द के बाहों में पहुँच गई। अपनी किस्मत को कोस कर मैं उस दूसरे मर्द के बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, तभी एक भारी आवाज मेरे कानों में आई, यह मैं हूँ मुकुल, तुम शांत हो जाओ। मैं उसकी बाहों में डूब गई, फिर अपनी आँख उठाकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए चिंता नजर आई, लेकिन फिर उसके चेहरे में एक गुस्सा साफ नजर आने लगा। मेरे पति को देखने लगा, फिर मेरे गाल को और होंठ को देखकर, उसने किया तुम्हारे साथ? मैंने अपना सिर घुमाकर अपने पति तरुण को देखने लगी। देखा, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर रहे थे। वो अब भी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, मुझे भला बुरा कह रहा था। ऐसा लग रहा था मुझ पर अभी अटैक करेगा और मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। बॉस मुझे बोलने लगे, सब खत्म हो गया है, वह चला गया है। अभी भी कांप रही थी और उसके सीने से बिल्कुल चिपक गई थी। वह मेरे बालों को सहलाने लगे, उनकी बाहों में मुझे चैन मिलने लगा। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी और सोचने लगी, अब सब खत्म हो गया है। पुलिस के साथ पैरामेडिक भी आए हुए थे, मेरे जख्मों का इलाज करने लगे थे, जो कि अभी मैं नहीं चाहती थी। मेरे पति को पुलिस लेकर चले गए थे। मैं मुकुल के कार में बैठ गई थी, अपने कानों में हाथ रख दिया था। मुझे अपने पति की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह दर्द, वह जख्म जो मैंने इतने सालों तक झेले थे, आज फिर से ताजा हो गया था। मेरे पति की आवाज, मेरे पति की कही एक एक बात मेरे कानों में आने लगी। तभी मुकुल मेरे पास कार में आ गए, एक सोडा का कैन मुझे पकड़ा कर कहे, यह तुम्हारे जख्मों के लिए है। मुझे इस समय और कुछ नहीं मिला। ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया, मुकुल मेरे पास बैठ गए, कार चलने लगी थी। मैं सोडा की कैन अपने जख्मों पर लगाने लगी ताकि फूल न जाए, पर मुझे लग रहा था मेरा गाल फूल गया है। पूरे रास्ते मेरे बॉस खामोश थे और घर आने पर भी वह सीधे अपने कमरे में चले गए, एक बार भी मुड़कर मुझे नहीं देखा। मैं घबराने लगी, मुझे लगा शायद मुझसे गलती हो गई हो, यूं लिफ्ट में उनकी बाहों से नहीं लिपटना चाहिए था। जैसे कि मेरा अधिकार हो और मैं उनसे और ज्यादा चाहती हूँ, यह सोचकर ही मुझे और ज्यादा शर्म आने लगी थी। मैंने सोचा आज मुझ में और हिम्मत नहीं है, कल सुबह मैं उनसे माफी मांग लूंगी। रात को मेरी नींद खुली, कमरे में अंधेरा था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे मुंह को जोर से दबा रहा है। मैं उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी, उसे धक्का मारने की कोशिश करने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत छटपटा रही थी, डर से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कोई मुझे हिला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। मैं आँख खोलकर देखने की कोशिश की, किसी ने मेरे हाथों को पकड़ रखा था। मैंने उनके चेहरा देखा तो मेरे बॉस थे, बहुत ही डरी हुई आंखों से मेरी ओर देख रहे थे। उसने कहा, किरण मैं हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखो, बस यह एक सपना है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तुम ठीक हो, प्लीज किरण मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मेरे बॉस बार बार यह बात कह रहे थे। मुझे अपनी बाहों में ले लिया था, मुझे कस के पकड़ा हुआ था, अपने एक हाथ से मेरे बालों को सहला रहे थे। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे पता था यह होने वाला है। मैंने कहा, क्या होने वाला है? मैंने अपना सिर उनके कंधे में रख लिया था और सांस लेने लगी थी। उसने कहा, तुम्हें बुरा सपना आया था किरण, तुम अपने बिस्तर पर ही छटपटा रही थी, जैसे कि सांस नहीं ले पा रही हो। मैं उसी ओर तुम्हें देखने के लिए आ रहा था, तब तुम्हें इस हाल में देखा। पहले तुम्हारी आवाज सुनकर लगा था तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, फिर आकर देखा तो बेड पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। मैंने उनसे झूठ कह दिया, मैं ठीक हूँ। उसने दोबारा कहा, मुझे माफ करना किरण। मैं चौंक उठी कि मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, इसमें आप माफी क्यों मांग रहे हो, क्या हुआ है? वह हंसकर मेरी बातों को दोबारा दोहराया, क्या हुआ है? क्या तुमने अपने आप को आईने में देखा है? क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा है? तुम्हारा गाल फुला हुआ है, जिस वजह से तुम ठीक से बात नहीं कर पा रही हो। मुकुल की आंखों में झुंझलाहट थी। मैंने कहा, मुकुल पर यह
आपने नहीं किया है। उसने कहा, मैंने पीयूष से वादा किया था मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। एक पल के लिए तुम मेरे आंखों के सामने से हट गई थी। अगले ही पल मैंने देखा तुम कहीं नहीं थी। मैं हर फ्लोर में तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। तुम कहीं नहीं थी तो मैं ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गया। मैंने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मुझे आपको बाथरूम बोल कर जाना चाहिए था। यह मुझे किडनैप करके अपने साथ ले जाना चाहता था और मेरे साथ रेप करना चाहता था। अपने आदमियों से भी वही काम कराना चाहता था। बार बार यह कहते हुए मैं रोने लगी और मेरे बॉस ने मुझे अपने बाहों में ले लिया। धीरे धीरे मेरे पीठ को सहलाने लगे थे और उधर मैं अपने आंसू बहाने लगी थी। उसने कहा, अब वह लॉकअप में रहेगा और अपना एंटरटेनमेंट वहीं करेगा। उसके खिलाफ हमें अब काफी सबूत मिल चुके हैं। उसके दिन खत्म हो गए हैं। अब तुम उससे आजाद हो, कहकर मेरे गालों के जख्म को देखने लगा। कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ सोऊंगा। यह सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक उठी, फिर उसकी आंखों में देखने लगी और उसने मेरे माथे को हल्का सा चूम लिया। कहा, घबराओ मत, मैं हूँ। मेरे पास ही सो गए थे। मैं उसकी तरफ देखने लगी और फिर चैन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। कोई था मेरी हिफाजत करने के लिए। अगले 3 दिन मैं ऑफिस नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरा चेहरा फुला हुआ था। मुकुल ने ही मेरे बेटे पीयूष को संभाल लिया था। वह दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते थे। अपनी दूसरी गार्ड को भी साथ में लगा लिया था। वह मेरे बेटे को स्कूल भेजने लगे थे। मेरा बेटा उनके साथ काफी खुश नजर आता था। शायद जो चीज एक लड़के को अपने पिता के साथ करता है वह कभी नहीं कर पाया था। मुझे नहीं पता मेरे बॉस बेटे के साथ बच्चे बन जाएंगे। इतने सीरियस दिखने वाले आदमी के दिल में ऐसे जज्बात हो सकते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। तुमने उस दिन बहुत खतरा उठाया था अपने पति पर हमला बोलकर, क्योंकि उसके पास बंदूक थी। तुम्हें गोली लगने का खतरा उठाया था। यह बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इस उम्र में फिजिकल एक्टिविटी, रोज ट्रेनर आता मुझे सिखाने। मैंने उससे पूछा, मुकुल आपने यह सब कहाँ से सीखा? तो उसने कहा, मैं 4 साल आर्मी में था। मैं और वह मुकाबला करने लगे थे। मेरे मुंह से ओह आवाज निकली जब मैं नीचे फ्लोर पर गिर गई। वह बिल्कुल मेरे ऊपर थे। मेरे बॉडी में जैसे धुआं निकलने लगा क्योंकि उनका निचला हिस्सा और मेरा निचला हिस्सा एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ था। उसे ऊपर ऐसे देखकर मेरे अंदर उत्तेजना होने लगी। मुझे लगा ये चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वर्कआउट करते हैं अपनी शर्ट खोल लेते हैं, अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाते हैं। उनकी नजर मेरे ऊपर टिकी हुई थी, इसलिए मैं अपने होठों को काटने लगी थी। एक पल के लिए मैं उनकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई थी। मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, उनके दिल में मेरे लिए आकर्षण नहीं होगा। पर मेरे दिमाग से आवाज आने लगी, वो मेरी तरफ चाहत भरी आंखों से देखे। मैंने कहा, आपने चीटिंग की है। उसने कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने कहा, हाँ आपने किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरा ध्यान भटकाने के लिए। उसने कहा, अच्छा तो मैं क्या किया हूँ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए, जरा बताओ। मैं उनकी मजबूत शरीर के नीचे थी। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। वह मुझे क्या होने लगा, मेरी सांसें भी उल्टी पुल्टी चलने लगी थी। मैं उसकी ओर देखने लगी, उनकी एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करने लगी और उनके चेहरे में मुझे एक झिझक नजर आई जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकी हुई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई यह सोचकर कि वह क्या कर रहे हैं। वह नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हे भगवान, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ उनके होंठ मेरे होंठों पर थे। सबसे पहले दिमाग में आया, ओ माय गॉड, मुझे मुकुल रस्तोगी किस कर रहा है। धीरे धीरे मैं उसके नरम किस में खोती चली गई। उनके होंठ मेरे होंठों को धीरे धीरे दबा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे झिझक के साथ मैं भी अपने होंठ चलाने लगी। उनकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस कर रही थी। उनका एक हाथ मेरे बालों में था। धीरे धीरे मेरे सर को और करीब ला रहे थे ताकि किस और गहरी हो सके। उसका दूसरा हाथ मेरे कमर में था जिससे वह मेरी ओर खींच रहे थे। फिर उनकी जीभ मेरे मुंह के अंदर घुसने लगी। मैं उनसे लड़ने की हालत में नहीं थी। मेरे पैरों के बीच में एक पुल सा तैयार हो गया था जिससे मुझे आराम के साथ साथ दर्द भी महसूस होने लगा था।
और मेरे अंदर चाहत इस कदर बढ़ गई थी कि वह मुझे और छुए। मेरे दोनों हाथ उनके कंधे में थे। मैं अपनी उंगली उसके गर्दन में चलाने लगी थी और उसे और महसूस करना चाहती थी। मुझे इतना आराम आ रहा था, मैं सच्चाई से बेहद दूर हो गई थी। लेकिन अचानक जब सच्चाई मेरे सामने आई, मैं बिल्कुल चौंक उठी। मैंने कहा, आई एम सॉरी बॉस। शिट, मैंने अपने बॉस को किस किया। जब मैं ऑफिस आई, मैं यही सोच रही थी उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी। वह दिन भर बिजी थे, अपने काम में लगे हुए थे। जब थोड़े फ्री हुए, मुझे अपने पास बुलाया, मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। कहा, क्या बात है, तुम्हें किस चाहिए? मैं आंख बड़ी बड़ी करके उनको देखने लगी। शर्म से मेरा गाल लाल हो गया था। मैंने कहा, सर वह एक गलती थी। उसने कहा, क्यों क्यों गलती थी? काफी गुस्से से कहा था। मैंने कहा, क्योंकि आप मेरे बॉस है। उसने कहा, किरण जब मैं तुम्हें किस किया था, मुझे पता था। अभी भी उसकी आवाज़ बॉस जैसी ही तेजी थी, जिससे मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, सर मैं एक आम लड़की होती तो समझ में आता, लेकिन मैं एक एक्स वाइफ हूँ खतरनाक आदमी की। अगर वह जेल से निकल गया तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर पीयूष भी है, जबकि वह आपको बहुत पसंद करता है, पर मैं नहीं चाहती आपके ऊपर मेरे बेटे की जिम्मेदारी आ जाए। हालांकि मेरे दिल में कुछ और ही बात थी। मेरे पति मुझसे हमेशा कहा करते थे मैं उन्हें बिस्तर पर खुश नहीं कर पाती। मेरे अंदर घबराहट थी, शायद मैं मुकुल को भी खुश नहीं कर पाऊँ। मुकुल कहने लगा, तुम्हारा एक्स हस्बैंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैंने कहा, लेकिन उसने कहा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, इस उम्र में तुम्हें किसी मर्द के साथ शायद घबराहट हो रही है, पर तुम्हारा बेटा तो मुझे पहले से ही जानता है और मैं भी तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद करता हूँ, उसे खुश रखूँगा। मैंने कहा, लेकिन हम दोनों बराबर नहीं हैं। आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ। मैं 35 साल की औरत हूं जिसका एक बेटा है और आप इस शहर के सबसे एलिजिबल बैचलर हो। आपका एक उज्जवल भविष्य है जहां खूबसूरत औरतें लाइन लगाकर आपके इंतजार में खड़ी हैं। उसने जल्दी से उत्तर दिया, पर उनमें से कोई भी औरत मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा, आप हैंडसम हो, पर मैं साधारण लड़की हूँ। आप 5-स्टार होटल में खाना खाना पसंद करते हो, लेकिन मैं घर पर खाना बनाकर परिवार के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप मनोरंजन के लिए सोशल गैदरिंग पसंद करते हो, वहाँ अपनी इमेज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका उल्टा मैं घर पर ही रहकर अपने परिवार के साथ टीवी देखना पसंद करती हूँ, पिकनिक में जाना पसंद करती हो। हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे हैं। उसने मेरी तरफ देखा, कहा, ठीक है किरण, तुम जीती। मैंने आज तक तुम्हें अपने साथ इतना बहस करते नहीं देखा। जब तुम कह रही हो इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती। उसके मुंह से यह कठिन शब्द सुनकर मैं उसके विरोध करने के लिए मुंह खोलने जा रही थी, पर मैं कुछ कहती इससे पहले उन्होंने कहा, अपने एक्स हस्बैंड से मुझे कंपेयर मत करो किरण, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। सोशल गैदरिंग में जाकर अपना नाम बढ़ाना नहीं चाहता। मेरा नाम होता है मैं कितने केस जीतता हूँ उसके ऊपर, लेकिन तुम जो चाहती हो वही होगा। उसकी बातों से ऐसा लगा कि कोई मेरे दिल पर जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हो। सब खत्म हो गया, हम दोनों अलग हो गए, हमारा रिश्ता टूट गया। मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, सब मेरी गलती है। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। मेरे बॉस ने हमें अपने घर आने नहीं दिया था, कहा अभी भी तुम यहीं रहना होगा। मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखते थे, उसे घुमाने ले जाते थे, पर मेरे साथ कभी कोई बात नहीं करते थे। हमारे बीच में पहले जैसा ही वह रिश्ता बन चुका था, जिससे मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। एक दिन मेरे बॉस ऑफिस से आए, मैंने देखा सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं। मैं जाकर उन्हें देखा, फिर पूछा तो कहे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने दवाई दी, कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने छूकर देखा तो उन्हें बुखार था। मैं उन्हें लेकर उनके कमरे में आ गई थी, तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके सारी बातें बताई थी। डॉक्टर आकर उनका ब्लड लेकर गए थे और कुछ दवाइयां भी दे दी थी। अचानक मेरी नींद खुली तो देखा मैं अपने रूम में नहीं बल्कि उनके कमरे में थी। शायद मैं उनके कमरे में ही सो गई थी। सामने देखा वो तैयार हो रहे थे। मैंने कहा, बॉस आपको कल इतना तेज बुखार था, आप ऑफिस नहीं जा सकते। उसने कहा, किरण तुम अपनी हद में रहो, तुम एक सेक्रेटरी हो। हाँ कल रात तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके बदले में मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। यह बात सुनकर मेरे दिल में जैसे तीर सा चुभा। मेरे रात भर की सेवा के बदले मुझे पैसे देना चाहते हैं। मैं ऑफिस आ गई थी, उस दिन मेरे बॉस ऑफिस नहीं आए थे। मैं उनके बारे में सोचने लगी थी, मेरे केयर के बदले में मुझे पैसे देंगे। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने सोचा रास्ते में कुछ खरीद लूंगी। मैं अपनी कार के पास आ गई थी, लेकिन पार्किंग लॉट में
आकर देखा मेरे बॉस खड़े थे। मेरी कार की चाबी उसने ले ली। कहने लगे, तुम्हें तुम्हारी कार की चाबी अब नहीं मिलेगी। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, तुम मेरे ही कार में आओगी जाओगी मेरे आदमियों के साथ। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अपने कार में आओ और खतरा उठाओ? अभी तुम मेरे साथ चल रही हो। तुमने कल रात मेरी जो सेवा की उसके बदले मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होने लगा था। मैं उसके साथ कार में बैठ गई थी। आज वह खुद ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा, मेरी केयर के बदले में मुझे पैसे देंगे? हर चीज पैसों से मिल जाती है क्या? मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ, यह डिनर डेट है। मैं उसकी तरफ देखने लगी, तो डिनर की बात कर रहा था। उसने कहा, माफ करना, मैं सुबह तुम पर गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया है। वह गाड़ी चलाता गया शहर से बाहर निकल गया। मैं सोच में पड़ गई, वो मुझे कहाँ डिनर पर ले जा रहा है। फिर हम रुक कर बीच में चलने लगे थे। वह समुद्र के किनारे मुझे कहाँ ले जा रहा है? यह समुद्र के किनारे मुझे कहाँ ले जा रहा है? एक जगह मुझे लेकर आ गया। बीच के किनारे एक खुली रेस्टोरेंट थी। हल्की हल्की रोशनी में खचाखच लोग बैठे हुए थे। एक टेबल बुक कर रखी थी। तभी सामने एक आदमी आ गया। कहने लगा, मैं अमित, मुकुल का दोस्त। तो आज मुझे वह खूबसूरत औरत से मिलने का मौका मिल गया। मैं वही सोच रहा था, तुम मुझे उससे कब मिलाओगे मुकुल? मैं हैरत में पड़ गई। अमित कहा, मुकुल आज तक कभी किसी लड़की को यहाँ नहीं लेकर आया, बस अपने परिवार के साथ आता है और तुम्हें लेकर आया है। इसका मतलब यही है कि तुम उसकी जिंदगी में खास जगह रखती हो। खाना खाने के बाद जब हम वापस जाने लगे, काफी ठंड लग रही थी। मुकुल कहने लगा, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें ठंड लग जाए? मेरे पास आओ। मुझे अपने पास खींच लिया और हम दोनों चलने लगे थे। जल्दी से ठंड से बचने के लिए अपनी कार के अंदर आ गए। उसने कहा, मैं हमेशा खाने फाइव स्टार होटल नहीं जाता, ये मेरी पसंदीदा जगह है। मैं घर आकर अपने बॉस को थैंक यू कहना चाहती थी। मैं उसके कमरे में आ गई तो मुझे देखकर चौंक उठा। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काफी गुस्से से कहा था। आज तक उसके कमरे में कभी नहीं आई थी, शायद मेरा यहाँ आना उसे पसंद नहीं। मैंने कहा, मैं आज के डिनर के लिए आपको थैंक यू कहने आई हूँ और मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ क्या फर्क पड़ता है? तुमने अपने अतीत के रिश्तों के लिए जाने कितनी बार और कितने बुरी तरीके से मेरा दिल तोड़ा है। जाओ यहाँ से, काफी रात हो गई है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ? उसकी बात कर मेरा दिल बैठ गया था। मैं वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में बेहद दर्द महसूस होता था। वह मुझसे अपने आप को यूं अलग कर लिया था। मुझे पहला वाला बॉस नहीं चाहिए, बल्कि वह मुकुल चाहिए जो मुझसे प्यार करता है, जिसने मेरे पति से मेरी हिफाजत की। उसकी बाहों में मैं जन्नत महसूस करती हूँ। मैं दोबारा उनके पास आ गई। वह कहने लगे, फिर क्यों आई हो किरण, कुछ भूल गई क्या? मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसकी बेहद करीब आ गई, उसके होंठों में अपने होंठ रख दिए। पहले तो वह बिल्कुल चौंक उठा, अपनी जगह पर जम गया, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं भी 4 साल से बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल प्यासी थी। 4 सालों से मुझे किसी मर्द का स्पर्श नहीं मिला और मैंने यह सब कुछ कभी शुरू नहीं किया था। मेरे पति यही कहते थे, मैं किसी मर्द को खुश नहीं कर सकती। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन आज मुझे मुकुल चाहिए था। मैं उसके कंधे के ऊपर अपने हाथ रख उसे अपने करीब खींचने लगी, अपने सीने को उसके सीने के करीब बिल्कुल चिपका दिया और उसे किस करने लगी। वह मेरी कमर पर अपने हाथ रखकर अपना हाथ फेरने लगा था। मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगी, मेरी सांस बेहद तेज हो गई थी। मैं उसके और करीब जाने लगी, उसे अपने आप को रगड़ने लगी। वह खड़ा हो गया, मैं भी उसके साथ खड़ी हो गई। हमारे बीच की गर्मी इस कदर बढ़ गई थी। उसने कहा, रुको जाओ किरण, इससे पहले कि मैं खुद पर से काबू खो बैठूं और फिर तुम इसे गलती कह के मना कर दो। पर मैं नहीं रुकी, मैं उसे किस करती गई। मैंने उसके हाथों को अपने दोनों नरम नरम पर रख दिए और वो जोर से मुझे किस करने लगा। मेरे शरीर में अपने हाथ फिरने लगा, मैं कांपने लगी। उसने कहा, तुम श्योर हो, तुम यह चाहती हो? अगले ही पल तो मुझे दूर नहीं ढकेल दोगी? मैंने कहा, नहीं, मेरे अंदर समा जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मुझ में क्या कमी है। मुझे अपने बिस्तर पर लेकर आ गया। कहने लगा, क्या कमी है, इससे क्या मतलब है? प्यार से मेरे गालों में हाथ फेरने लगा, बोला, बताओ। मैंने कहा, मेरे पति हमेशा कहते हैं मैं मर्द को बिस्तर
नजर में खुश नहीं कर सकती, बिल्कुल पत्थर बन जाती हो। उसने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, आजमाना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ आजमाना चाहती हूँ। उसने कहा, अगर ऐसा करोगी तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, बताओ तैयार हो? अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा, अगर मंजूर है तो मेरे करीब आओ, मेरा दिल मत तोड़ना। मैंने कहा, आपको जितना दर्द हुआ मुझे भी हुआ, मैं सबसे बेहद थक चुकी हूँ, आपके बिना नहीं जी सकती, आओ मेरे पास आ जाओ, मुझ में समा जाओ। उसने मुझे अपने आप से दोबारा अलग नहीं होने दिया। मेरे बेटे को भी हमने मिलकर सच्चाई बताई थी। पहले मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ था, फिर कहने लगा, माँ मेरे लिए उन्हें मान लेना मुश्किल है, पर मैं पिछले 4 सालों से आपको अकेला देख रहा हूँ और मैं मुकुल को बेहद पसंद करता हूँ। उसने हमारी हिफाजत की, वो हमेशा हमारी हिफाजत करेगा। अगर कल को डैड जेल से वापस निकल भी जाते हैं फिर भी वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ माँ। उसने मुकुल से भी वादा लिया था कि कभी मुझे दुख नहीं पहुँचाएगा, और मैंने भी सोचा नहीं था कि कभी मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, पर हम तीनों बेहद खुश थे। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।